उदयपुर हॉरर किलिंग मामले में अब हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा उतरने लगा है सड़कों पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मेरठ के पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी और बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी सिटी, एडीएम सिटी, मजिस्ट्रेट, सारे अधिकारी यहाँ कमिश्नरी पार्क चौराहे पर मौजूद हैं, और ये जो गेट है इसके बाहर मौजूद इसलिए हैं कि ये जितने भी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और नेता हैं जो यहाँ पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको किसी भी सूरत में बाहर तक न जाने दिया जाए। इनके जितने भी ज्ञापन वगैरह हैं वो सब ये खुद यहाँ पर गेट पर ही स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि सुबह से ही जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कन्हैया जिनकी हत्या हुई है उदयपुर में, उनको लेकर मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार की मदद करे सरकार। इसके अलावा जो हत्यारे हैं उनको भी फांसी की सजा दे, और ये सजा जल्द होनी चाहिए। आप देखेंगे पूरा हुजूम जो है बजरंगियों का और हिंदूवादी संगठनों का वो लगातार बना हुआ है। हिंदू युवा वाणी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संगठन कही जाती है, उसके कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर आ गया ये बैनर लेकर, लेकिन सवाल ये है कि जो हत्यारे जिन्होंने कन्हैया लाल को मार दिया बेहद नृशंसता से, उनके बारे में बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कुछ सूत्रों द्वारा कि वो पाकिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे और वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी कट्टरवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन एजेंसियों पर भी है जो देश की निगरानी में जुटी हैं और लगातार जो उनके इनपुट हैं उसी के आधार पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। फिलहाल जो प्रदर्शन और धरना है ये लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।